क्या बोला तूने? भूमि है महर्षि वाल्मीकि की भूमि है। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? छठे और सातवें चरण में 300 पार ले जाने का काम आपको करना है। 300 पार मस्त जोक मारा रे, या हंस रे हलकट हंस। और 5 साल में पूरे उत्तर प्रदेश से योगी जी ने माफियाओं का सफाया करने का काम करा है। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं कर रहे। इस समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी कांग्रेस पार्टी गरीबों का नाम लेती है, गरीबों के वोट देती है, परंतु गरीबों के काम कभी नहीं। ऐसे तो नहीं होता है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो वाराणसी से सांसद है, उन्होंने 5 साल के अंदर यूपी के 1,67,00,000 गरीबों के घर में गैस का सिलेंडर पहुंचाने का काम किया है। मित्रों, गैस का बड़ा हरामी हो बेटा। मोहर्रम होता था, ताजिया होता था, रमजान होता था, बिजली आ जाती थी, और बाबा की शिवरात्रि हो तो बिजली नहीं आती थी। पकड़ मेरे को जानता नहीं है भाई, मजा आया। 15 करोड़ लोगों को 5 लाख तक का सारा खर्चा आज नरेंद्र मोदी सरकार स्वास्थ्य का उठा रही है। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? गोले और मिसाइल्स बन रही है जो पाकिस्तान से भारत माता की रक्षा करने के काम। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। महर्षि याज्ञवल्क्य की भूमि है, महर्षि वाल्मीकि की भूमि है, और यहाँ श्री राम कंवल पंडित जी की भूमि है। ये सभी महानुभव को प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूँ। 5 चरण के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का काम उत्तर प्रदेश की जनता ने पूरा कर दिया है। 6ठे और 7वें चरण में 300 पार ले जाने का काम आपको करना है। 300 पार और 5 साल में पूरे उत्तर प्रदेश से योगी जी ने माफियाओं का सफाया करने का काम करा है। मुझे बताओ मेरे युवा दोस्तों, बताए ये अतीक अहमद कहाँ है भाई? अरे जोर से बोलो, कहाँ है? मुख्तार अंसारी कहाँ है? ये आजम खान कहाँ है? ये समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी कांग्रेस पार्टी गरीबों का नाम लेती है, गरीबों के वोट देती है, परंतु गरीबों के काम कभी नहीं। मैं आपको बताने आया, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो वाराणसी से सांसद है, उन्होंने 5 साल के अंदर यूपी के 1,67,00,000 गरीबों के घर में गैस का सिलेंडर पहुंचाने का काम किया है। मित्रों, गैस का पहले तो बिजली के भी धर्म होते थे। मोहर्रम होता था, ताजिया होता था, बिजली आ जाती थी, रमजान होता था, बिजली आ जाती थी, और बाबा की शिवरात्रि हो तो बिजली नहीं आती थी। कल आई थी या नहीं आई थी? कल आई थी या नहीं आई थी? हमने बिजली को सबके लिए उपलब्ध कराने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। देश के 7 करोड़ लोग और उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ लोगों को 5 लाख तक का सारा खर्चा
आज नरेंद्र मोदी सरकार स्वास्थ्य का उठा रही है, किसी भी गरीब को अपने बूढ़े बाप का, छोटे बेटे का किसी भी प्रकार का इलाज कराना है तो ऋण लेने की जरूरत नहीं है साहूकार के वहां से। नरेंद्र मोदी का कार्ड लेकर जाओ, 5 लाख तक का सारा इलाज मुफ्त मुफ्त में होगा। उत्तर प्रदेश को उत्पादन में नंबर वन बनाया है। अखिलेश बाबू, आपके समय में कट्टे और छर्रे की गोलियां बनती थी, मोदी जी के टाइम में मिसाइल्स और गोले बन गए हैं, मिसाइल्स और गोले। ये परिवर्तन आया उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के अंदर पहले छर्रे की गोलियां और कट्टे बनते थे जो हमारे लोगों को डराने के लिए और मारने के काम में आते थे। आज गोले और मिसाइल्स बन रही है जो पाकिस्तान से भारत माता की रक्षा करने के काम में।